ये हम लोगों ने वीडियो में एक्चुअली पहले ऑलरेडी देखा है ना। आप लोगों में से कितने लोगों ने ये सीन एक्चुअली देखा है? सभी ने देखा। इसके बारे में कभी सोचा था कि किस तरह का ये हजार्ड हो सकता है या अब शुरू हो रहा है सोचना? सीरियसली बताइएगा और ट्रूथफुली बताइएगा। पिछले दो सालों से ज्यादा फोकस मेरा इसी नहीं आया कि मतलब मेरी नजर में आने लगे। अच्छा, आप किसी वजह से इसके लिए थोड़ी सेंसिटिव हुई, आपने भी ऑब्जर्व किया? जी मैम, मैं ओखला का जो ये गार्बेज है मैम उसके पास टबल के पास गाँव वहाँ से आता हूँ। अच्छा, बचपन से देखता आ रहा हूँ कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ। जो लोग प्रैक्टिकल्स हैं वो लोग आते होंगे, बहुत ख़राब हालत होती है। हमारी तरफ की हवा चलती है तो कैसे स्मेल आती है उसमें से, बारिश होती है लीक निकलते हैं, कितना गंदा पानी होता है, तो बहुत बड़ी से निकलता होगा बाहर रोड पे आ जाता है मैम गाड़ियाँ से बहुत ज़्यादा। उसमें प्रॉब्लम क्या होती है रोड पे आ जाता है तो? बहुत ज़्यादा बैड स्मेल होती है उसकी, बिल्कुल ब्लैक होता है वो। इनफैक्ट हमारी गाड़ी निकल के वहाँ से 5 किलोमीटर बाद घर पे खड़ी रहती है, उसको भी स्मेल करती है। अच्छा, वो टायर्स में से आती होगी। ठीक है। और फिर मैम लोग मुझे ऐसा ऑब्जर्व है कि लोगों को स्किन की प्रॉब्लम, सांस लेने में आंखों में जलन, ये चीजें फेस करते हैं। उसमें से जो भी इन्फेक्शन का रीजन बैक्टीरिया या और भी कुछ भी निकलता होगा वो हवा में होता है, वो लोग सांस के थ्रू या स्किन पे आ गया। अब समर्स में टेम्परेचर बढ़ेगा, ये फायर का इशू ज्यादा आएगा। हाँ, है ना, ये एक हजार्ड है, उससे रिलेटेड दिक्कत है। और आप कुछ और बोलेंगी? आप कुछ और, क्या आपने पिछले दो सालों में क्या ऑब्जर्व किया? दो साल पहले लाइक मेरे को बहुत आईज में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी। बरेली में? जी जी जी, एक्चुअली वहाँ पे कंस्ट्रक्शन एंड वगैरह के 10 पार्टिकल्स बहुत हैं, प्रॉपर मेजर्स नहीं ले जाते हैं, तो वही सब दिक्कतें हैं। तो उससे थोड़ा सा ध्यान गया मेरा, एंड कॉलोनी वगैरह में कैसे वेस्ट ले जा रहे हैं, बट ओपन मतलब व्हीकल्स हैं बट कैप्स ओपन ही रहते हैं हमेशा, और वो हम अगर सेग्रीगेट करके दे भी रहे हैं तो वो मिक्स कर दे रहे हैं, उनके पास भी प्रॉपर गैस नहीं है, सेफ्टी गैस जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस में डिफाइंड है कि देने चाहिए। सो ये सब चीज़ें मतलब जब ऑब्जर्वेशन में आई तो फिर उसकी तरफ ध्यान गया। आपने कुछ इन्वॉल्वमेंट रहा आपका या नहीं? मैंने MSc एनवायरमेंटल साइंस में अभी पढ़ाई कर रही हूँ। अच्छा, कंप्लीट हो गया आपका? सेकेंड ईयर में हूँ। लेक पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ा है, और वो मतलब मरीन सिस्टम तो मतलब वो किसी लायक नहीं है मैम वहाँ पे। तो आपने ये प्रोजेक्ट किया वो कितने ड्यूरेशन का था? I'm actually it's two months का था। yes. तो एक दिन पहले दिन आप गए होंगे और फिर आप सैंपल कलेक्शन किया था, उस पर स्टडी की। हाँ, कि यहाँ का pH कैसा है, एसिडिटी कैसा है, ये सब। और हम बाकी वहाँ पे जो लोग रहते हैं उसके अराउंड उनकी भी मतलब काफी दिक्कत होती होगी। तो आपकी जो ये स्टडी थी 2 महीने की, और जो भी आपने सैंपल्स कलेक्ट किए, जो भी आपने स्टडी किया, फिर उसका एंड रिजल्ट कंक्लूजन क्या आया वो बताइए हमें नटशेल में। और प्लीज़ एवरीबॉडी, अगर आप सुन रहे हैं आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो प्लीज़ रहिएगा, अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो आपका फ़ोन का जो चलता है ना आगे पीछे, उससे आपका पड़ोसी भी डिस्ट्रैक्ट होता है। प्लीज़ अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है सेशन में, प्लीज़ मैं कहती हूँ आप बाहर जाके कोल्ड ड्रिंक भी क्या है, चाय भी क्या है, जो भी करना है, लेकिन अपने पड़ोसी को मत डिस्टर्ब करिए। वो इतनी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, वो मैम पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है। क्या नाम है आपका? प्रिया। हाँ, आप बताइए प्लीज। हम कंक्लूजन मैम यही था, मतलब हमारा उस वहाँ के मतलब हमारा ये था कि उस लैंडफिल की वजह से क्या इंपैक्ट पड़ गया वहाँ के सराउंडिंग्स। यस मैम, तो मैम हमारा मेनली फोकस था वो वाटर में। तो वाटर में ऐसा था कि मैम डिस्पाइट ऑफ हैविंग लैंडफिल, स्टिल पीपल आर डिस्कार्डिंग वेस्ट इन टू द लेक। ओके, इन ओपन वाटर। यस मैम। ओके, तो उसकी वजह से, और मैम वहाँ पे जो बर्ड्स वगैरह रहती हैं उनके लिए भी काफ़ी दिक्कत है, और मैम वहाँ पे रहती नहीं ऑलमोस्ट।
मतलब बर्ड्स इन यस मैम सरवाइव नहीं कर पाती। यस मैम बर्ड्स के लिए मतलब वहाँ पे है लेक में ज्यादातर बर्ड्स रहती है लेकिन वहाँ पे अब नहीं है मतलब। अच्छा पहले थी जब वो साफ हिस्ट्री में जब हमने पढ़ा था तो पहले होता था, पहले वो साफ सुथरी जब रही होगी तो वहाँ पे बर्ड पॉपुलेशन थी और अब क्योंकि उसमें जो चेंजेस आए गार्बेज की वजह से जो भी वहाँ पे तो उसकी वजह से वो बर्ड पॉपुलेशन तो खत्म ही हो गई और पता नहीं क्या क्या चेंजेस हुए जो पता नहीं। यस मैम और बोटिंग भी वहाँ पे बस नाम के लिए होती है तो जब वो इतना स्मेली है इतना गंदा है तो मैम लैंडफिल का स्मेल मैम वो झांगी पुरी मेट्रो स्टेशन तक आता है। अगर आप मेट्रो में कभी जाओ तो गेट खुलेगा तो आपको फील होगा। तो ये उसकी मतलब ये आपका एक्सपीरियंस है। यस मैम और आपने किसी और ने भी हां प्लीज बताइए आपका क्या नाम है वो बताइए पहले। मेरा नाम प्रिंसी है और मैं जब 12th स्टैंडर्ड में थी तो एक हमारी बुक में एक चैप्टर था मदर अर्थ वाला। तो मैम ये आप किस कौन से ईयर की बात कर रही है 2014 आपसे 8 साल पहले जी। तो वो था एलिंग प्लैनेट उससे मैं काफ़ी इंस्पायर हो गई थी और फिर जब हम दिल्ली में रहते हैं तो आसपास बहुत कूड़ा होता है जिसमें एनिमल्स स्ट्रे कर रहे होते हैं और ये कबाड़ी वाले और जो रैग पिकर्स होते हैं वो मैनुअल स्कैवेंजिंग कर रहे होते हैं। किस एरिया में रहती हैं आप दिल्ली में? खानपुर देवली साकेत के पास। हाँ जी तो उधर से फिर ये हुआ कि क्लीन अप्स में कुछ करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इशू है। तो फिर मैंने कॉलेज के सेकंड ईयर में एक वॉलंटियर ग्रुप ज्वाइन किया था जो प्लांटेशन और क्लीन अप ड्राइव्स करता है और फिर हम लोग बाद में वेस्ट मैनेजमेंट वर्कशॉप्स भी कंडक्ट कराना स्टार्ट कर दिया था हम लोगों ने। तो उसमें हम लोगों के साथ डील करते हैं वहाँ पे सैनिटेशन मतलब पूरी वर्कशॉप्स होती हैं लोगों के साथ कि कैसे वेस्ट सेग्रीगेट करना है। हाँ जो हेल्पर्स होते हैं हाउसमेट्स होते हैं उनके साथ भी डील करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर को मतलब ट्राई करते हैं कि कितना पुश मिल सके कि लोग सेग्रीगेट करें और फिर वो एक प्रॉपर चैनल फॉलो हो सके। एक आप अवेयरनेस बढ़ाने का काम कर रहे हैं और एजुकेट कर रहे हैं लोगों को ताकि वो उसकी तरफ सेंसिटिव बने और सेंसिटिव बनेंगे तो फिर वो एक्शन में आएगा उनके है ना। और उसी के साथ मतलब काफ़ी लोगों ने घर पे कंपोस्टिंग स्टार्ट करी है हमारे जो साथ ग्रुप में मैंने खुद करी है कंपोस्टिंग घर पर काफ़ी टाइम। तो ऐसे ही आपका घर एक फ्लैट है या एक इंडिपेंडेंट हाउस है? फ्लैट है बट जॉइंट फैमिली है मेरी तो तीनों फ्लैट हमारे हैं। ठीक है एक के ऊपर एक होंगे ऊपर तो आपके पास अपने डोमेन में तो एक लिमिटेड स्पेस ही होगा टेरेस पर कंपोस्ट। हाँ अच्छा तो उसमें आपने किस तरह से किया वो भी बताइए। आप लोग सब सुनिए कि एक छोटे से लिमिटेड स्पेस में बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो कॉस्ट पे होता है ये है ना। आप बताइए कैसे किया आपने? तो बेसिकली जैसे किचन वेस्ट होता है तो मैंने अपनी मम्मा को बोल दिया था कि वो आप अलग से सेग्रीगेट करके रख लिया करो तो वो रखती थी और मैं जैसे कॉलेज से आकर रात में दिन में 5 मिनट देने होते दिन में सिर्फ 5 मिनट देने हैं तो मैंने एक पॉट ले लिया था जो मटके आते हैं उसमें नीचे होल करके उसके ऊपर से लेयर होती है वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट की तो वो डेली का वेट वेस्ट और उसके ऊपर ड्राई वेस्ट डाल दिया करके जब वो कंप्लीट हो जाता है तो उसको रख दिया फिर सेकंड पॉट में ही कर लिया तो 2-3 मंथ बाद वो फर्स्ट पॉट में जो कंपोस्ट है वो रेडी हो जाता है। बस डेली टर्न करना होता है ताकि वो थोड़ा उसमें एरोबिक प्रोसेस कंटिन्यू रहे। ये कंपोस्टिंग का है। अभी मैं रिसेंटली बायोगैस प्लांट जो होता है DIY वो करने का सोच रही हूँ। प्लान रेडी है बस एग्जीक्यूट करना है। वो भी आप घर में ही करेंगी या कम्युनिटी के लिए करेंगी? घर में ही मतलब वो एक ड्रम डाइजेस्टर होता है उसके लिए प्लान कर। तो उसके लिए देखिए आपने जब बोला कि मैंने एक मटका लिया मटका बोला ना आपने हाँ जी मैडम तो मटका तो इतना बड़ा होता है किसी के घर में भी एक कोने में रखा जा सकता है प्रोवाइडेड आपके पास थोड़ा सा बालकनी में ओपन स्पेस हो। कमरे में नहीं रख सकते उस चीज को ठीक है बस इतना। और वो कह रही हैं 24 घंटे में सिर्फ उन्होंने 5 मिनट दिए लेकिन वो रूल फॉलो करना है एवरी डे। आप किचन में वेट वेस्ट को रख नहीं सकते गर्मियाँ आएंगी तो उसमें मक्खी मच्छर वाली प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी वो अलग तरह का इशू हो जाएगा वो नहीं। आपको रोज करना है वो नियम से घर में कोई भी एक मेंबर अगर 1-2 मिनट 5 मिनट लगा ले तो वो हो जाएगा। और उससे मेरा एक्सपीरियंस है कि घर का 80-90% कचरा बाहर नहीं जाता ये मेरा भी एक्सपीरियंस है। हाँ और आपका हो गया आप कुछ और ऐड करना चाहती हैं? नहीं ठीक है। और किसी को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दें प्लीज़ अपना नाम बताइए। मेरा एक्सपीरियंस भी इनकी तरह होम कंपोस्टिंग से स्टार्ट हुआ था ऑलमोस्ट 3 इयर्स पहले।
मेरे वसंत कुंज के सोसाइटी में कुछ आईआईटी के बच्चे लोगों ने आके प्रेजेंट किया था, तो हम लोगों ने खरीदा था। वो एक के ऊपर तीन पॉट्स हैं, एक में डालो नीचे करते जाओ, तो वी केप्ट इट इन आवर टेरेस। फिर धीरे धीरे हुआ कि जब ये कर सकते हैं तो कंपोस्टिंग में इंटरेस्ट हुआ। फिर हमारे ब्लॉक में सी मतलब जो वसंत कुंज का ब्लॉक है, पहले कूड़ा एक एरिया में इकट्ठा होता था, बहुत गंदा एरिया होता था, तो RWA के साथ मिलकर के हम लोगों ने उसमें एक तो उसको सीमेंटेड किया जिससे जो काम कर रहे हैं उनको सफाई में करें, फिर SDMC के साथ मिलकर के वहाँ पे कंपोस्टिंग शुरू कर दी। तो ये जहाँ पे जो हमारे कूड़े जो लोग हैं जो मैनेज करते हैं वो सारा वेट कूड़ा वहाँ पे डालते हैं और वो अपने आप कंपोस्ट बन जाता है, फिर वो कंपोस्ट वो रेसिडेंट को दे देते हैं या गार्डन में डाल देते हैं। तो इससे एक और अच्छा हैबिट शुरू हुआ कि सारे रेसिडेंट ने सेग्रीगेशन करना शुरू कर दिया वेट एंड ड्राई का। एवरीवन वाज वेरी वेरी पॉजिटिव अबाउट इट बिकॉज आई थिंक कॉन्शियसनेस बढ़ रही थी। तो आपको लगता है कि जितने भी आपके सोसाइटी में जितने भी घर है, सपोज 100 हैं, कितने हैं घर आपके यहां? मैं ऑलमोस्ट 400 सब लोग फॉलो करते हैं या कोई उसमें डिफॉल्टर्स नहीं है अभी भी? अभी है कुछ, बट आई वुड स्टिल से इट्स अ गुड नंबर। 70-80-85% लोग करते हैं, सो विच इज अ वेरी गुड नंबर। तो वहाँ पे आकर के फिर सेग्रीगेशन होने लग गया। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट लेवल सोचा कि अब ये प्रोसेस बन गया था कि जो प्लास्टिक का मिल की थैली होती है उनको भी बहुत सारे NGOs हैं जो लेकर के उसको प्रोसेस करते हैं। तो पहले ये ट्राई किया गया कि सब लोग अपने अपने घर में अलग करें, इकट्ठा करके दें, बट दैट वॉज बिकमिंग डिफिकल्ट बिकॉज आपको थैली को पहले साफ करके रखना पड़ता है, तो स्टिंक हो जाता है अगर ये 2-3 दिन भी रखो। फिर ये हुआ कि जो ड्राई वेस्ट में आएगा उसी में आने दो, अपने घर में सेग्रीगेट मत करो। वहाँ पर जो क्लीनर्स हैं जो मतलब सेग्रीगेट करते हैं वो उसको सेग्रीगेट करके एक NGO को दे देते हैं। सो दैट वे इट बिकेम ईजियर फॉर द रेसिडेंट्स ऑल्सो एंड वी आर स्टिल segregating it and giving it to an NGO, that plastic thing. और इस चीज़ को आप बता रही हैं करीब 3 साल हो गए कंटिन्यू? वो पहले वाले का 3 साल हो गए हैं, वो क्या बोलते हैं कंपोस्टिंग का, हाँ, और अभी प्लास्टिक की थैली वाला पिछले 6-7 महीने से शुरू हुआ है, पर वो भी चल रहा है क्योंकि उसमें रेसिडेंट ने कुछ नहीं करना है, वो ड्राई वेस्ट के साथ ही दे रहे हैं उसको, पर जो लोग वहाँ पे सेग्रीगेट कर रहे हैं वो सेपरेट करके सीधे NGO को दे दे रहे हैं। तो वी आर ट्राइंग टू मेक प्रोसेसेस विच आर इजी फॉर एवरीवन टू फॉलो। और एक और चीज मैंने अभी अपने लेवल पर शुरू की, मैंने एक मदर डेयरी से बात की है। मदर डेयरी में बहुत सारा वेस्ट होता है, जो सब्जियां खराब हो जाती हैं, सफल वाले आउटलेट, हाँ, जो सफल की आउटलेट। तो मैंने मदर डेयरी में जाकर के उनके, एक उसमें कुछ ऐसे उनके दुकानें होती हैं, वेंडिंग आउटलेट्स होते हैं जहां सिर्फ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स मिलते हैं, दूध घी आइसक्रीम उस तरह की चीजें मिलती हैं। फिर पैरेलली एक और शॉप्स होती हैं, वो सफल की शॉप्स कहलाती हैं, मदर डेयरी ब्रांड के अंडर एक और उनका ब्रांड है सफल, उसमें वो सारी फ्रेश वेजिटेबल्स देते हैं, है ना, और क्या क्या उसमें बहुत सी चीजें मिलती है वहाँ पे, और अभी धीरे धीरे ग्रोसरी का सामान भी शुरू कर दिया उन्होंने, और फ्रोजन भी मिलता है, पर मेनली माय फोकस वाज ऑन वेजिटेबल्स। तो एक वो टिपिकल सब्जी वाले की दुकान होती है जिसमें कुछ फ्रोजन आइटम्स भी होते हैं, मेजोरिटी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं। तो एक आप समझ सकते हैं किसी भी सब्जी वाले की दुकान में क्या वेस्ट निकलता है एवरीडे बेसिस पे, है ना। तो काफी बताइए मैम।